नमस्कार, मैं हूँ दीपिका निहाल। चुनावी सफर में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश की लोकप्रिय लोकसभा सीट ग्वालियर के बारे में, जहां से देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जीत कर लोकसभा पहुंचे। साल 2014 में इस सीट पर भाजपा के दिग्गज नेता नरेंद्र सिंह तोमर ने शानदार जीत दर्ज की। गुज्जर, तोमर और कछवाहा राजवंशों की राजधानी रहा ग्वालियर बहुत सारे ऐतिहासिक स्थलों को अपने आंचल में समेटे हुए है। इसका गौरवशाली इतिहास है। आज ग्वालियर एक आधुनिक शहर है और एक जाना माना औद्योगिक केंद्र भी। ग्वालियर को गालव ऋषि की तपोभूमि भी कहा जाता है। ग्वालियर शहर का सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ की ऊंची चट्टानों पर बना ग्वालियर का किला है। यह शहर के लगभग हर भाग से दिखाई देता है। भारत के दूसरे किलों की तुलना में मुगल बादशाह बाबर ने इसकी तुलना मोती से की थी। ये सीट अधिकांश समय सिंधिया राजघराने से संबंधित ही रही है। 1962 में सबसे पहले यहाँ राजमाता विजय राजे सिंधिया जनसंघ के टिकट पर जीती थी। 1984, 1989, 1991 और 1998 में माधव राव सिंधिया ने कांग्रेस के टिकट पर इस सीट से सांसद बने। यही नहीं, 1996 के चुनाव में माधव राव सिंधिया मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस की टिकट पर भी इस सीट से सांसद चुने गए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी 1971 में जनसंघ के टिकट पर इस सीट से सांसद बने। साल 2007-2009 में बीजेपी के टिकट पर यशोधरा राजे सिंधिया इस सीट से सांसद चुनी गई। तो वहीं साल 2014 के चुनाव में यहां से भाजपा के दिग्गज नेता नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बड़ी जीत दर्ज की। कुल मिलाकर 1952 से ये सीट हिंदू महासभा 1957, 1984, 1989, 1991, 1998, 2004 में कांग्रेस, 1980, 1999, 2007, 2009 में बीजेपी ने जीती है। तो वहीं 1962, 1967, 1971 में जनसंघ ने और 1977 में जनता पार्टी यहां से विजयी रही है। नरेंद्र सिंह तोमर केवल मध्य प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के चर्चित राजनेताओं में से एक है। वो मोदी मंत्रिमंडल में भारत के केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल और स्वच्छता मंत्री भी हैं। साल 2014 के चुनाव में उन्होंने इस सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक सिंह को 29,699 वोटों से हराकर विजय हासिल की थी। उस साल यहां पर नंबर दो पर कांग्रेस, नंबर तीन पर बसपा, नंबर चार पर आप थी। उस साल यहां कुल वोटरों की संख्या 18,77,003 थी, जिसमें से 9,90,912 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया था, जिनमें पुरुषों की संख्या 5,95,934 थी और महिलाओं की संख्या 3,94,978 थी। ग्वालियर की कुल आबादी 27,30,472 है, जिसमें से 51% लोग गांवों में और 48% लोग शहरों में निवास करते हैं। ग्वालियर की 90% आबादी हिंदू धर्म में और 6% लोग इस्लाम धर्म में यकीन रखते हैं। ग्वालियर पर लंबे वक्त से भाजपा राज कर रही है। 1999 के बाद कांग्रेस यहां को जीत के लिए तरस रही है, इसमें कोई शक नहीं। इस सीट पर भाजपा का पताका फहराने में शिवराज सिंह चौहान सरकार का भी बहुत बड़ा हाथ था, जिसने लंबे वक्त तक एमपी पर राज किया और उसका फायदा भाजपा को यहां मिला। लेकिन अब सियासी समीकरण बदल चुके हैं। एमपी में कांग्रेस का सूखा समाप्त हो चुका है, वो सत्ता में है। ऐसे में ये सीट एक बार फिर कांग्रेस के खेमे में जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं इस सीट पर भाजपा कैसे अपनी प्रतिष्ठा बचाकर रखती है, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। कुल मिलाकर इस बार इस सीट पर रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है।